डियर स्टूडेंट्स, योर टूडेज क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। जो आपकी आज की क्लास है उसका सेकेंड सब्जेक्ट है इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में लेटर एन फॉर नेस्ट को पहले वर्कबुक में बनाना सीखा था। वर्कबुक में हमने डॉटेड लाइन पर से पेंसिल से ट्रेस करके एन को बनाना सीखा था। आज इसी लेटर एन को हम अपनी इंग्लिश की कॉपी में बनाना सीखेंगे। ओके बच्चों, देखिए ये है लेटर एन। आपने वर्कबुक में डॉटेड लेटर एन पर पेंसिल चलाकर प्रैक्टिस की थी। आज हमें आपकी जो फोर लाइन की कॉपी इंग्लिश की, 1 2 3 4 लाइन वाली कॉपी, इसमें हम लेटर एन को बनाएंगे। देखिए लेटर एन को हम 1 2 3 4 फोर डॉट पे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक स्टैंडिंग लाइन मैक करना है और इसके सामने वाले डॉट्स पे भी एक स्टैंडिंग लाइन मैक करना है। फिर यहां से ऊपर से नीचे की तरफ इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है। तो ये क्या बन गया, लेटर एन, एन फॉर नेस्ट, स्टैंडिंग लाइन सामने की तरफ, एक और स्टैंडिंग लाइन, और इन दोनों स्टैंडिंग लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हुए एक स्लैंटिंग लाइन। लेटर एन, एन फॉर नेस्ट, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर से नीचे की तरफ एक स्लैंटिंग लाइन, और वो इन दोनों स्टैंडिंग लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देगी, जोड़ देंगी। तो क्या बन जाएगा, यस लेटर एन, एन फॉर नेक्स्ट, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, उनके बीच में एक स्लैंटिंग लाइन। देखिए कितना इजीली बन गया हमारा लेटर एन, दो स्टैंडिंग लाइन और उनके बीच में एक स्लैंटिंग लाइन, एन फॉर नेक्स्ट। आप ऐसे जिगजैग पोजीशन में बना सकते हैं, ऊपर की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन, नीचे की तरफ एक स्लैंटिंग लाइन, ऊपर की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन, एन, एन फॉर नेक्स्ट। आज आपको आपकी इंग्लिश की कॉपी में इसी तरह से लेटर एन बनाने की प्रैक्टिस करना है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे बनाना है। आप देखिए मैम कैसे बना रहे हैं, आपको भी आपकी कॉपी में एन फॉर नेस्ट ऐसे ही बनाना है। ओके, लेटर एन बनाने के लिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी। ओके बच्चों, नाउ अवर क्लास इज वाइंड अप। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू।